अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताओ हमको, बोलो हमसे, क्या बात है, रो क्यों रही हो? हाथ से क्या? सेवा से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ, न राजीव के कमरे में न राजीव के नजदीक। और हाँ, अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना, क्योंकि राजीव की सेवा मतलब इस घर की सेवा है। अब चाहे घंटी बजे या न बजे, दिन भर सेवा और रात भर सर्वेंट क्वार्टर में अगली सुबह का इंतजार, यही नियति है तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? हमको मंजूर है बड़का बाबू, हम रहेंगे ना सेवकों के साथ, दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का, हम अपना परछाई तक नहीं पड़ने देंगे उनके ऊपर, नजदीक आना तो सोचेंगे भी नहीं। हद से क्या कहूँ, हद से क्या बोलो? कुछ नहीं, हद है यार, कमाल करती हो, आंखों से लाचार है तो तुम हमको पागल समझती हो, बेवकूफ समझती हो हमको। शादी से पहले से ही सच बताया हमने तुमको, हर वक्त सच बताया तुमको, कभी झूठ नहीं बोला, और तुम क्या कर रही हो, हमारे सामने खड़े खड़े झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। देखो कु आड़ी तिरछी बात करने की आदत हमारी भी नहीं है, जो भी बात करते ना मुंह पे करते, बेबाक करते हम, आंखों से लाचार है तो है। इस रिश्ते को शादी का रिश्ता नहीं माना हमने, सौदे का रिश्ता माना, तो माना कहा भी दुनिया के सामने, विश्वास में भरोसा नहीं करते तो नहीं करते, स्पष्ट रूप से बोल दिया था हमने। जब तुम आई थी हमारे मन में ईश्वर का विश्वास जगाने, तो क्या किया हमने, डांटा तुमको, बरसे तुम पर, जो भी किया ना सच्चे मन से किया, कोई कपट नहीं रखा था हमने। और जो तुम वापस आई थी ना, ईश्वर का विश्वास दिलाने, बताने के लिए, जताने के लिए कि मन में प्रभु का वास होता है, तो हमने माना बिना राग के, बिना द्वेष के, एक सच्चे इंसान की तरह, माना कि ये रिश्ता सौदे का है। मगर जानती हो हमारे मन में आया कि तुमको ना सच्चे मन से शुक्रिया करे, जानती हो क्यों? क्योंकि हर रिश्ते में ना एक मान होता है, सम्मान होता है रिश्ते में, और वो मान हमने दिया तुमको, लेकिन तुमने क्या किया, निर्लज बेशर्म की तरह इतना कुछ करने के बावजूद हमसे सच नहीं बोल रही हो, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुमने काम कर, तुम ना जाओ यहाँ से, झूठ की बदबू आती तुमसे। ऐसा मत कहिए राजीव बाबू, हमारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसे मन भर आया तो चुप हो गए। और ना, हमको गुस्सा मत दिलाओ तुम। क्या बोले हम? जाओ यहाँ से, झूठे मक्कार लोगों से बात नहीं करते हम, जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए ना तो आना हमारे सामने, तब तक ना हमारे आमने सामने फटकना भी मत। क्या सुना? फटकना भी मत हमारे सामने, जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहां आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया, अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे। न राजीव के कमरे में न राजीव के नजदीक, अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना।
रहो, बिना रुके बिना पलटे, और तब तक चलती रहो जब तक सर्वेंट क्वार्टर तक ना पहुंच जाओ। भूल तो नहीं जाओगी रास्ता, चलो हम ही दिखाते तुम्हारे नए ठिकाने की दिशा। आओ, क्यों इतना तमाशा कर रहे होते हैं? क्यों इतना जलील कर रहे हो इसे? क्षमा कीजिए बुआ जी, आप कृपा करके वहीं रुक जाइए। आपको कुबू भाभी से कुछ कहना है? कोई जरूरत नहीं है नौकरों के मुंह लगने की। चुप करो जानवी। ठीक तो कह रही है जानवी, नौकरों से रिश्ता केवल काम का, अब तो घंटे भी नहीं बजाना पड़ेगा। जाओ। इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आंच ना आए, ये उस घर का नजरबट्टू बन जाए। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? जब किसी निर्दोष के साथ अत्याचार होता है ना, तब प्रकृति भी रौद्र रूप धारण कर लेती है। तुम्हारा नया ठिकाना, आउट हाउस, नौकरों का निवास। अब ये क्या खेल है आदेव? क्या ये सब? जो है सो यही है। नीचे पाताल, ऊपर भौकाल, क्यों रे कुहिया, अब नहीं करोगी बकर 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 बकर? प्रभाजी संभाल के। देव, ये यहाँ रहेगी? ये गारे में कैसे रहेगी? डॉक्टरों के कमरे हमारी हवेली में है, घर में कोई आउट हाउस नहीं है, हम भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कैसे रहेगी यहाँ पे? प्रभाजी सही कह रही है देवदा, कैसे रहेगी कुहिया? सेवा करके, सेवा करनी है ना तुमको? जी जी। तो ठीक है, करो सेवा, बना डालो इस ईंट गारे से अपना मकान। हाँ, लेकिन भूल से भी राजीव के कमरे की तरफ मत ताकना और चंदेल भवन की छत के नीचे रहने की कल्पना भी मत करना, वरना ना राजीव की सेवा कर पाओगी ना इस घर की सेवा कर पाओगी। और अगर इस ईंट गारे से अपनी कुटिया नहीं बना पाई तो समझ लो चंदेल भवन के प्रांगण से बाहर ढकेल दी जाओगी तुम। अब ये ईंट गारा है तुम्हारा भविष्य, ढूंढो इसमें, बना डालो अपना कुटिया। चलो, समझ गए कि दोबारा समझाएं? चलो भाई, बहुत हो गया तमाशा, हमारी सूचना खत्म हुई, तब अंदर चलो। और हाँ प्रभा जी, ये हमारा प्रस्ताव नहीं था, ये हमारा आदेश था।
चलिए सब लोग अंदर। आई चलो, ये मनोरंजन तो हो गया। ननन जी, हमरा एक काम करोगी? करोगी ना? बिल्कुल। आई ठीक है। ये देखो, ये दिहाती, ये गबार, ये अनफैशनेबल। तुम्हारे संजीव दादा का फेवरेट का है? फेवरेट नहीं भाभी, इट्स फेवरेट। हाँ हाँ वही, अब मतलब पूछते हैं हम। तुम बताओ ना, कौन सा सबसे ज्यादा जचेगा हम पर? संजीव जी की नजरों से देखकर बताओ ना प्लीज। भाभी एक भी नहीं, कुछ मॉडर्न स्टाइल पहनिए। हाँ हाँ वही मॉडर्न। एक सेकेंड, ये देखो मॉडर्न, ये पहनिए आप, ये है मॉडर्न। इसमें आप एकदम वाव लगेंगी। वाव। भाभी इधर आना जरा, आपका मेकअप भी ठीक करने वाला है। बहुत लाउड है, जैसे लाउड स्पीकर भोपू। अरे भाभी लाउड मतलब भड़कीला। कहीं भड़कीला मेकअप को देखकर संजीव जी हमसे नाराज तो नहीं हो गए? काले कोट में वकील काली हरकतें भाप लेता है, फिर चाहे इंसान कितना भी कोरा हो। तुम इस लिबास में आओगी, मेकअप करोगी और तुम्हारी सच्चाई मैं भूल जाऊंगा। तुम अंदर से क्या हो, कैसी हो, ये सब भूल जाऊंगा। नजदीक आने के पीछे का तुम्हारा खेल क्या है, ये मैं भूल जाऊंगा। चलाओ मैं आपका मेकअप ठीक करती हूँ। सब छोड़ो, पहले हम संजीव जी को अपने अंदर का खूबी दिखाएंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करो, चलो चलो। तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा, तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा, अब फुल के कदम मेरी ओर बढ़ा, अपने होठों में दबा के गुलाब दे दे। भाभी अच्छा कर रहे ना हो, आराम से इत्मीनान से जैसे प्यार होता है होले होले। तुमको बड़ा पता है प्यार मोहब्बत के बारे में, कोई है का? अब आप हमारी जासूसी छोड़िए और ये बताइए, क्या संजीव बाबू पर बिजली गिराने का प्रोग्राम है क्या कि नहीं? चलिए डांस करते हैं। बिजली तो हम गिराएंगे। वीर नारायण चंदेल, तुम्हारी ये बहू अपने पति को रिझाने के लिए कितने ही पैतरे, कितने ही प्रपंच क्यों ना कर ले, लेकिन तुम्हारा ये वंश ना तो इस बहू से आगे बढ़ेगा और ना ही उस कुकुर से, जिसका इंतजाम खुद तुमने कर दिया है। फिर कोई नौटंकी करने की फिर आग में हो क्या? चलो जाओ। अरे बंद करो, तुम जाओ अपने कमरे में। ये काम तो बहुत कठिन है, हमसे कैसे होगा? नहीं नहीं राजू बाबू छूट जाएंगे। लगता है आसमान भी कभी भी फट जाएगा। कैसे करेंगे हम? और अगर इस ईंट गारे से अपनी कुटिया नहीं बना पाई, न राजीव की सेवा कर पाओगी, न इस घर की सेवा कर पाओगी। अब ये ईंट गारा है तुम्हारा भविष्य। क्या हुआ थे पापा? आप ऐसे काहे हमें देख रहे हैं? अपने आप से पूछो काहे देख रहे हैं ऐसे। पत्नी का धर्म होता है कि नहीं, कुछ पति के प्रति होता है ना, तो अपना धर्म निभाना छोड़ के तुम इस जोकरी में लगी हो। पत्नी का धर्म, पति का नहीं,
अब पत्नी का धर्म पति का हर बात का समर्थन करना, पति का नहीं। अच्छा जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए ना तो आना हमारे सामने, तब तक ना हमारे आमने सामने फटकना भी मत। हमको ये घर और राजीव बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जाना। बोले बाबा तुम तो हर असंभव काम संभव कर देते हो ना। ईटा और गाय का काम हम देखे तो, लेकिन हम कभी नहीं किए, लेकिन अब करेंगे हम राजीव बाबू के लिए। हमको मालूम है तुम हमारे साथ हो, हाथ हमारा होगा, लेकिन प्रेरणा शक्ति तो तुम्हारा ही होगा ना। होगा ना बोले बाबा। हमारा मनोकामना पूर्ण कर दो ना बोले बाबा। हमको राजीव बाबू को छोड़ कहीं नहीं जाना। उस मक्कार लड़की की पुड़िया का रह के ख्याल क्यों आ रहा है? हमें बेवकूफ बनाने चली थी हमें? अरे राजीव चंद्र को बेवकूफ बनाने वाला ना सच पैदा नहीं हुआ तो तू चीज क्या है? को क्या कर रहे हैं आप? तुम हमारी बात का जवाब दो और हम ना दे पलट के जवाब। दे बाबा ऐसा मत करिए। दे बाबा, दे बाबा। नहीं। दे बाबा हम आपको वचन दिए हैं, आपने हमको आदेश दिया, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, जरूर करेंगे। अबे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए देव बाबा। आदेश केवल हम देंगे, तुम हमारे आगे भाषण नहीं दोगी, ठीक है? का धर्म है पति का और का धर्म है पत्नी का ये तुम जानो, हमको सिर्फ नतीजे से मतलब है। नतीजा मिलेगा, मिलेगा नतीजा जरूर। चलो समेट लो। जाने कितने जन्म के कर्म के बाद ये औकात मिला है हमको, इतनी आसानी से मटियामट नहीं होने देंगे। हम अपने राजकुमारी होने का ताज नहीं उतरने देंगे। थक कौन कर रहा है? बारिश कभी भी आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बाहर से आवाज आ रही है। कौन है ये जो ठक ठक कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पे हथौड़ा पीट रहा है। अरे कोई जवाब देगा इस घर में? वो क्या रहा है? चलो कुछ तो अक्कल आई। कुछ
अरे कौन है वहां, कौन इतना हल्ला मचा रहा है? कोई जवाब देगा हमको? राजीव कहां जा रहे हो? नहीं उधर नहीं, उधर कुछ काम चल रहा है। उधर नहीं जाना। पर बाबा नहीं उधर नहीं जाना है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां, चोट लग जाएगी तुमको। बिल्कुल नहीं उधर चलो। क्या छुपा रहे आप हमसे बाबा? क्या छुपाएंगे हम तुमसे? हाँ हम क्यों छुपाएंगे? नहीं बाबा आप जरूर कुछ छुपा रहे, वरना इतनी दूर हमारे पीछे नहीं आते आप। बताइए हमको क्या छुपा रहे? अरे कहाँ उलझे हुए हो राजीव, चलो घर के भीतर चल के बात करते हैं वहां। चलो ऐसे महसूस क्यों हो रहा है कि कुहू आसपास ही है? बाबा ये तो कू की आवाज है। कू कहाँ, आवाजों में उलझे पड़े हो। उधर नहीं जाना राजीव। अरे होंगे काम करने वाले कोई लोग, तुम अंदर चलो। राजीव ये बारिश किसी तूफान का संकेत है, चलो घर के भीतर चलो। अरे बाबा कोई कुछ बताएगा हमको कि क्या हो रहा है इधर? हमको आवाज आ रही है उधर से कू की। अरे इतनी बारिश में कौन सी आवाज आ रही तुमको?